दोस्तों आचार्य चाणक्य की नीतियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मान जाते हैं। आचार्य चाणक्य एक श्रेष्ठ अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक मान राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा बताई गई चाणक्य नीति को सीखने से आप जीवन की किसी समस्या को आसानी से सुलझा सकते हैं। साथ ही साथ चाणक्य नीति का ज्ञान आपके लक्ष्य को पूरा करने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। जिस किसी को प्यार में धोखा मिला हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो आज का ये उपाय जरूर कीजिएगा। यदि किसी लड़की को प्यार में दीवानी बनाना हो या फिर किसी शादीशुदा औरत को अपने प्यार में बेचैन करना हो, तो आप इस उपाय को करके किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, अपने प्यार में बेचैन कर सकते हैं। इसमें आपको किसी मंत्र की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ तुलसी का पत्ता आपको चाहिए और आसानी से इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते उपाय के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आप सात तुलसी के पत्ते आपको लेना है। तुलसी के पत्ते को लेकर के आपको एकांत जगह में आपको बैठ जाना है और सात तुलसी के पत्ते को साफ करके अपने सामने रख लीजिए और सातों पत्तों पर उस औरत या लड़की का नाम लिखें जिसको आप अपने बस में करना चाहते हैं, जिससे आप अपने प्यार में बेचैन करना चाहते हैं। सातों पत्तों पर नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद दोस्तों दो दो चावल का दाना सातों पत्तों पर रख दें। थोड़ी थोड़ी मात्रा में लाल चंदन रख देंगे। उसके बाद में स्त्री का 11 बार नाम ले करके उस पर मुख मार देंगे। इसके बाद तुलसी के सातों पत्तों को किसी भी बहते हुए पानी में बहा दें। जैसे ही आप ये उपाय कर लेंगे, उस औरत या लड़की पर प्रभाव पड़ना आरंभ हो जाएगा। वो आपके बस में हो जाएगी, आपके प्यार में दीवानी हो जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय को करके आप अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को अवश्य पा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही आसान सा उपाय है। तो दोस्तों इस उपाय को एक बार अवश्य करिएगा, जिससे आप अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को अवश्य पा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप भगवान श्री कृष्णा जी के सच्चे भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।